चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। ब्लेंडस्टोन अरीना होबार्ट का मैदान है। इस वेन्यू को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेली रैंक ओवल भी बोलते हैं। तो इस वेन्यू के ऊपर इस साल वुमन बिग बैश लीग के दो मैचेस हुए। सबसे लेटेस्ट यहाँ पे आखिरी मैच खेला गया था 4 नवंबर को। मैच था हॉबर्ट हरिकेन्स बनाम ब्रिस्बेन हीट का। क्या हुआ था उस मैच के अंदर उसकी बात करते हैं। हुआ कुछ नहीं था, पहले आती है यहाँ पर हॉबर्ट हरिकेन्स की टीम बैटिंग करने, जो होम टीम है, 120 बनाती है 8 विकेट गवा के, 121 का टारगेट दिया। ब्रिस्बेन हीट चेस करने आती है, इन्होंने 4 विकेट गवाया, 6 विकेट से जीत दर्ज करी और 17.2 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर लिया, करीबन 16 बॉल रहते। फिर से पहले 142 बना 8 विकेट गवा के। जो टीम चेस करने आती है वो 19.2 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है और 7 विकेट से जीत दर्ज करती है। फिर इससे पहले 96 बना 7 विकेट गवा के। ये बनाया था पाकिस्तान वीमेन ने। इसी साल जनवरी के अंदर पाकिस्तान वीमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वीमेन का यहाँ पे मैच हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलिया वीमेन चेस करने आती है, उन्होंने 13 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया, 100 रन का तो टारगेट था मुश्किल से। फिर उससे पहले 80 बना, ये टारगेट भी चेस हो गया 11 ओवर के अंदर, 121 बना टारगेट चेस, 164 बना टारगेट चेस। तो आप देखोगे जो पिछले यहाँ पर 6 मैचेस में ना सबसे लेटेस्ट, वो 6 के 6 मैचेस यहाँ पर चेस करते हुए जीते गए। आप देखें ओवरऑल फिगर्स देखते हैं तो पिछले 17 गेम्स के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए 11 मैचेस जीते गए। हॉबर्ट हरिकेन्स का होम ग्राउंड है, क्योंकि जो मैच हो रहा है ना ये हॉबार्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये टीम का नाम क्या है, हॉबर्ट हरिकेन्स, इनका होम ग्राउंड है। इस वेन्यू के ऊपर हॉबर्ट हरिकेन्स ने 25 मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस जीता है और मेजोरिटी ऑफ मैचेस हारे हैं, कुल मिला के 16 मैचेस यहाँ पे हारे हैं हॉबर्ट हरिकेन्स और 9 मैचेस जीते हैं मात्र। सिडनी सिक्सर्स की बात करते हैं, ये अवे टीम है बट ये टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, 6 मैचेस खेला है, 5 जीता है इस वेन्यू के ऊपर, 1 मैच हारी है। ये ट्रेंड रहा है भाई साहब, प्रति ओवर 7 के आसपास रन्स बनते हैं और बैकग्राउंड में फटाके फूट रहे हैं। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, दीपावली का अवसर चल रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते। मैं जब भी वीडियो शूट करने जाता हूँ चालू हो जाता है भाई लोगों का। तो आप देखो इस वेन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच था 4 नवंबर को, उसके अंदर 5 विकेट पेसर का था और 6 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। अभी पूरा ओवरऑल विकेट कॉलम को समझते हैं। पिछले 11 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 61 विकेट निकाला है, पहली पारी में 33, दूसरी पारी के अंदर 28। राइट आर्म पेसर का 61 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का यहाँ पर 1 भी विकेट नहीं है। बट इस गेम में लॉरेन चिटेल खेलेंगे, वो यहाँ पर अपना टैली करवाएगी नंबर्स, वो अच्छी गेंदबाज है, विकेट निकालेगी और यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेसर्स के नंबर्स में अपग्रेडेशन होगा। स्पिनर्स के 73 विकेट्स हैं और पहली पारी में 36, दूसरी पारी के अंदर 37। ऑफ स्पिनर्स का 44 विकेट्स है, लेग स्पिनर्स का 21 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पर 18 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटोज की तरफ। तो आप देख सकते हैं जब रिसेंटली यहाँ पे कुछ मैचेस हुए थे तो पिच यहाँ पर इस तरह से दिखी थी, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा ट्रैक होता है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम पिच। देखो आप इस पिच पे हमेशा हल्की सी ग्रास मौजूद होती है, लाइव ग्रास, जो पिच को होल्ड करके रखती है, ये देखो आप। और यहाँ पे रिसेंटली 31 तारीख के आसपास अक्टूबर महीने के अंदर मैच खेला गया था, मार्च वनडे कप का, ये तब की पिच की फोटो है, आप देख सकते हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज लड़कियों के गेम में मोस्टली 60 मीटर होती है, सामने की भी 60 मीटर होती है। ये लड़कों की मैच की बाउंड्री जब यहाँ पे मैचेस हुए थे वुमेन, आई मीन बिग बैश लीग के, लड़कों के बिग बैश लीग के मेंस वाले, ये स्टेडियम का व्यू है। ये सबसे प्यारा स्टेडियम है, तश्मीना के अंदर स्टेडियम आता है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक आइलैंड की तरह बना हुआ है। ये देखो आप कितना प्यारा व्यू है स्टेडियम का, वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम, पास ही के अंदर 15-20 कदम के ऊपर ये सामने समुद्र आ जाता है। यहाँ पर आप देखो क्या व्यू आ रहा है स्टेडियम का। तश्मीना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। देखो क्या व्यू आ रहा है, ये स्टेडियम, यहाँ पे घर है, सामने आपको दिखता है बीच, क्या अजीब भाई सब लाइफ के अंदर, दिस इज अ पिक्चरस व्यू। कैसे लगी पिच रिपोर्ट मेरे को कमेंट करके बताना और जो लास्ट में पिचेस की फोटोज है टेलीग्राम पे आपको पोस्ट करके दे दूंगा। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो।